राधे राधे। तो आज की मौसम की बात ही कुछ अलग सी थी, मानो पौधे खिलखिला से उठे थे और सूरज की किरणें भी राधा रानी की स्वागत में लगी हुई थी। और इन पक्षियों का क्या कहना, इन्हें भी सहज आभास हो गया था कि हमारी राधा रानी आने वाली हैं। और हमारे लाडले जी तो कभी छत पे जाके कभी तुलसी माँ के पास जाकर के अपनी खुशी बयां कर रहे थे। सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कान्हा जी के चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसके कुछ सालों बाद ही लाडली जी भी आ जाएंगी। कोई भी शुभ काम हो और गौ माता आ जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वैसे तो ये हमारे घर रोज आती है, लेकिन आज सुबह सुबह ही इनके दर्शन प्राप्त हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि लाडली जी आ ही रही हैं तो द्वार की थोड़ी साफ सफाई कर दी जाए। उसके बाद हम चले गए मंदिर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमने सारा सामान हटा करके एक जगह रखा और उसके बाद मंदिर के कपड़े को हटा करके हमने सोचा क्यों ना नया कपड़ा बिछा दिया जाए। फिर हमने फीचा हुआ दूसरा कपड़ा बिछाया सेम ही कलर का और उसके बाद हमने बाल गोपाल को उनके जगह पे रखा। फिर हमने सोचा कि इस मूर्ति को यहाँ रखते हैं, लेकिन फिर हमारा माइंड चेंज हो गया तो हमने उसे वहाँ पर रख दिया। अब बारी आती है राधा रानी जहाँ विराजमान होने वाली है वहाँ की डेकोरेशन की। तो मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करने के बाद हम चले गए द्वार को सजाने के लिए, क्योंकि राधा रानी वहीं से तो प्रवेश करेंगी। हमने सोचा द्वार को फूलों से सजाते हैं ताकि राधा रानी अपने कमल चरणों को इन फूलों पे रख करके आराम से प्रवेश कर पाए। सारी सजावट तो हो चुकी थी, लेकिन मुझसे और मेरे लड्डू गोपाल से इंतजार ही नहीं हो रहा था कि राधा रानी कब आएंगी। इसलिए हम द्वार पर ही कपड़े लेकर के खड़े हो गए थे कि राधा रानी जब आएंगी तो उन्हें हम अपने हाथों से पहनाएंगे। तो फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ, हमारी राधा रानी आ चुकी है। तो चलिए अब हमारी लाडली जी का अच्छे से स्वागत करते हैं। तो इतने दूर का सफर तय करके हमारी राधा रानी आई थी बरसाने से हमारे घर। तो सबसे पहले हम सब ने आरती की थाल से राधा रानी की स्वागत की और उसके बाद राधा रानी के कमल चरणों में आलता लगा करके हमने उनका गृह प्रवेश करवाया। और उसके बाद हमने सबसे पहले कान्हा जी को राधा रानी के दर्शन करवाए। उसके बाद हमने की अभिषेक की तैयारी। अभिषेक करते समय मैं तो वीडियो नहीं ले पाई, लेकिन आप राधा रानी का अभिषेक दूध दही मधु इत्यादि से कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए। तो वस्त्र पहनाने के बाद हम राधा रानी को कान्हा जी के मैचिंग ज्वेलरीज पहनाएंगे, क्योंकि सेम कान्हा ने व्हाइट कलर की पहन रखी है और मैंने राधा रानी को रेड कलर की पहनाई है। तो राधा रानी को उनकी चुनरी पहना करके करते हैं उनका श्रृंगार पूरा। तो श्रृंगार करने के बाद हमारे कान्हा कह रहे थे कि मुझे दिखाओ कि राधा रानी कैसी लग रही है। तो चलिए उनको दिखाते हैं उनकी राधा रानी को। तो कान्हा जी और राधा रानी एक दूसरे को निहार कर एक दूसरे का श्रृंगार देखने में लगे हुए हैं। हमारे कान्हा और राधा रानी की जोड़ी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राधा रानी के आने की तैयारी तो सुबह से ही चल रही थी, तो उसी तैयारी के बीच हमने बनाई थी राधा रानी के लिए पूरी और सब्जी। तो चलिए अब राधा रानी और कान्हा जी को एक ही थाल में साथ में भोग लगाते हैं। उसके बाद दोनों को पानी पिला करके भोग थोड़ी देर उनके पास छोड़ देते हैं ताकि वो आराम से खा पाए। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। तो हमारे तरफ से आप सभी को राधे राधे।